फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग मैनिया। और मैं हूँ प्रियंका, और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हाउ टू क्लीन योर ब्यूटी ब्लेंडर्स और हाउ टू डिसइंफेक्ट देम। अर्लियर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि आपके जो मेकअप ब्रशेज है उसको किस तरीके से हम लोग ईजी वे में क्लीन कर सकते हैं और उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं एट होम। सिमिलरली आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर्स को आप घर पर ही किस तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं, प्लस उसके साथ में आप उसको किस तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्लिक जंप इनटू द वीडियो। ल्यूक वार्म वाटर इस थोड़ा बड़े से कंटेनर में, और अब मैं इसमें अपना ये क्लीनर एंड क्लियर का जो फेस वॉश है ये मेरा ख़त्म भी हो चुका है, इसको मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी। सॉरी, वो वाला फेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया, तो अब मैं ले रही हूँ VLCC का नीम फेस वॉश। जितने भी मेरे स्पंजेस हैं सारे ब्लेंडर्स मैं इसमें अच्छे से डिप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है सभी ब्लेंडर्स का। बहुत ही ज़्यादा ये सब गंदे हो रखे हैं, तो मैं इनको क्या करूँगी, आधा घंटा या पौना घंटा मैं इनको डिप कर लूँगी, ताकि जितनी भी इनकी गंदगी है सब ये ब्लेंडर्स फाउंडेशंस जो भी इस पर लग रहा है ब्लेंडर्स पे मेरे और बीबी क्रीम सीसी क्रीम सब, ये आधा घंटे में सारा अपने आप ही इस पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सब आप देख सकते हैं सारे के सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, और पानी भी कितना डर्टी हो चुका है। अच्छे से मैं सारे ब्लेंडर्स को स्क्वीज कर लूंगी। अब मैंने वापस से क्लीन पानी लिया है थोड़ा सा, और ये मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है, और अब मैं दोबारा से इनको डिप कर दूंगी। अब की बार मैंने इसमें कोई भी फेस वॉश नहीं डाला है, बिकॉज इसमें जो जो फेस वॉश रह गया है बस उसकी वजह से मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि रिमेनिंग फेस वॉश इसमें से निकल जाए। तो इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं डिप करके रख दूंगी पानी में, ताकि एक्स्ट्रा का जो भी फेस वॉश है वो सब इसमें से रिमूव हो जाए। चलिए, मैंने अब 2 मिनट इसको अच्छे से डिप कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं मेरे जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स थे अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अभी भी इसमें से लेकिन फेस वॉश जो है निकल रहा है, बट आप देख सकते हैं इसमें से कोई फाउंडेशन एंड ऑल ही कुछ भी नहीं निकल रहा है, ओनली फेस वॉश जो रिमेनिंग था वो निकल रहा है। मैं अच्छे से इसको स्क्वीज करके जो एक्सेस का फेस वॉश था उसको सब निकाल लूँगी। सी, आप देख सकते हैं सारे के सारे पानी में सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश ही है, कहीं कोई फाउंडेशन BBCC क्रीम या कोई डर्ट इसमें नहीं दिख रही है। इसका मतलब सारे जो ब्लेंडर्स अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए, इन सबको मैं अच्छे से स्क्वीज करके देन इसके बाद में एक बार मैं ठंडे पानी से धो करके देन मैं वापस आती हूँ। सो अब मैंने इसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लिया है, अब मैं इसको डिसइंफेक्ट करूँगी अपने जितने भी ब्लेंडर्स हैं उसको। उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ डिटॉल, देन मैं सारे इसमें ब्लेंडर्स एंड ऑल मिक्स कर दूँगी। हार्डली कुछ ही सेकेंड्स के लिए मैं इसको इसमें डिप रहने दूंगी, देन आफ्टर डैट मैं इसको स्क्वीज करके अच्छे से एक बार और रनिंग वाटर में इसको, मतलब जो कोल्ड वाटर है उसमें मैं इसको एक और बार स्क्वीज करके अच्छे से, और ओवरनाइट मैं इसको फैन के नीचे रख दूंगी ड्राई होने के लिए। मेरे ब्यूटी ब्लेंडर हो गए अच्छे से क्लीन, और उसका क्या प्रोसेस था वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो मेक श्योर मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस उसके साथ में जो छोटा सा बेल आइकन दिया हुआ यानी छोटी सी घंटी जो दी हुई है उसको भी आप हिट कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।